यूनिवर्सिटी का आखिरी साल, हम सब जिंदगी के नए दौर में कदम रखने के इंतजार में आंखों में कई सपने सजोए थे। सपने जो हर युवा उम्र के इस दौर में देखता है, एक अच्छी नौकरी, अपना घर, सुरक्षित भविष्य। जिंदगी इन सपनों में भागती चली जा रही थी। वरदे वीणावादिनी वरदे वरदे वीणावादिनी वरदे वरदे वीणावादिनी वरदे नवगति नवलय ताल छंद नव नवल कंठ नव जलद मंद्र रव नवगति नवलय ताल छंद नव नवल कंठ नव जलद मंद्र रव नव नभ के नव विहग वृंद को नव पर नव स्वर दे वरदे वीणावादिनी वरदे वरदे वीणावादिनी वरदे I can't wear this. It doesn't fit me well. It's okay, Priya. You're looking hot. Sponsor myself presents the Shakti Festival. Now, friends. Careful, babe. पूरा मस्कारा समझ हो रहा है. Designed by our best designer. So, now's the time for the fashion show. The girls are gonna be clad. Guys, it's time. Let's go. Oh, hurry up, let's go. Come on, come on, fast. Coming. So please put your hands together for a lovely lady. Sarah, Sarah. हम सबसे अलग एक कोई था, सपने उसके भी थे, लेकिन खुद के लिए नहीं, एक नई व्यवस्था, समाज के एक नए ढांचे के लिए। कितना अलग सोचता था हम सबसे, मेरे अलावा और कोई उसे नहीं समझ पाता था। बहुत प्यार करती थी मैं उससे, अरुण से। तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप के चलते हो क्यों, तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप के चलते हो क्यों, हे लाज भरे सौंदर्य बता दो,
मौन बने रहते हो क्यों, मौन बने रहते हो क्यों, तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छुप के चलते हो क्यों। There'll be someone waiting for you, there'll be someone caring for you, every day, starting today, no matter अधरों के मधुर कगारों में कल कल ध्वनि की गुंजारों में, अधरों के मधुर कगारों में कल कल ध्वनि की गुंजारों में, मधु सरिता सिए हंसी सरल पीते ही रहते हो क्यों, मौन बने रहते हो क्यों, ए ना 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 ना, लुक छुप के चलते हो क्यों, तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छुप के चलते हो क्यों। वे भ्रम की बेला बीत चली, रजनी गंधा की खिली कली, वे भ्रम की बेला बीत चली, रजनी गंधा की खिली कली, सांध मलय की भीनी फुहार में मस्त बनी उड़ते हो क्यों, मौन बने रहते हो क्यों, तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप के चलते हो क्यों, हे लाज भरे सौंदर्य बता दो, मौन बने रहते हो क्यों, मौन बने रहते हो क्यों, तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप के चलते हो क्यों। तेरे देसी लुक ने तो कमाल ही कर दिया, पता है क्राउड की शक्ल देखने लायक थी, सालों की लार टपक रही थी। आह पता है तूने किसी के लिए नहीं किया, ये साड़ी तूने सिर्फ अरुण के लिए पहनी थी ना। अरे मैं भी चलती हूँ, मुझे भी अरुण को बोलते हुए देखना है। हृदय का लाल रस हम वेदिका पर दे चुके हैं, व्यंस कर विश्व का अभिशाप सर पर ले चुके हैं, पिलाने को कहां से रक्त लाए दानवों को, नहीं क्या स्वत्व है प्रतिशोध का हम मानवों को। अगर कुछ पूछने बूढ़ा विदाता आ जाया, कहेंगे हां तुम्हारी सृष्टि को हमने मिटाया। आतंकवाद को परिभाषा देने का वक्त निकल गया है दोस्तों, अब हमें जंग लड़नी है, हमारी सुरक्षा की कमान हमें खुद अपने हाथों में लेनी है। धर्म और सत्ता के ठेकेदारों पर भरोसा नहीं कर सकते, गजब है, सच को सच कहते नहीं वो, उपनिषद ओढ़े हुए हैं। वाह अरुण कितना अच्छा बोलता है ना,
तू बहुत लकी है पायल। क्यों, तू लकी नहीं है? तेरी तो शादी भी तय हो गई है, अब तेरा MBA ही संभालेगा तेरे को। वेरी फनी। पर यार बिना मिले बिना देखे तूने हाँ कैसे कर दी, मुझे तो अभी तक समझ में नहीं आया। हमारे यहाँ ऐसे ही होता है सृष्टि। पापा और रिश्तेदारों ने मिलके शादी फिक्स किया यार। ऑब्जेक्ट क्या तो कहते हैं कि तुम्हारी माँ ने भी मुझे नहीं देखा था, हमारी शादी में किस चीज की कमी है? शादी से पहले प्यार व्यार को ठीक नहीं समझते हमारे यहाँ। तो तू एक काम कर, तू पढ़ाई भी छोड़ दे। नहीं यार, पापा ने बताया कि वो मुझे आगे पढ़ाने को राजी हो गए हैं। That's so good, yeah. I know. Yeah. अब छोड़ना यार, बस कुछ वक्त अपने दोस्तों के साथ बिता लूं, फिर ये मौका मिले ना मिले। वैसे भी शादी के बाद तुझे मिलने वाला भी नहीं। Let's try again. That's me, Selena. Kimmy and Hart. Behne de mushkil zara, behk le tu bhi aaja, zindagi ka ye falsafa. Jhoome ye raat java, mad bhara ye sama, bubbles in fire jaane ja. Dine de, dine de, udne de, girne de, mitne de, aaj hai hosh gawana. Jeene de, jeene de, marne de, chalne de, bujhne de, aaj na baandhe zamana. Kya baat hai? Kya? किसी की नजर ना लगे। सुन एक काम कर, इसको ना गाल पे काजल लगा के रखना। सुन सुन किसे लेके आई थी? ये कौन है? ओ, ट्यूशन ले रही हूँ। ट्यूशन ले रही है या दे रही है? ओए शट अप, एक मिनट। ओह भाई हर रोज एक नया मुर्गा कहाँ से पकड़ के लाती है? जगह ना आपके लिए ठीक नहीं। हर आदमी जिससे मैं मिलती हूँ एक अलग अनुभव है। अब हमारी मेघा हमारी नहीं रही, किसी और की होने वाली है। ये कोई है जो हमारे कॉलेज की हंसी, हमारे कॉलेज की इनोसेंस को हमसे छीन कर अपना बनाने जा रहा है। She's getting married, so let's celebrate! Music! एक ले तू भी आजा, ज़िंदगी का ये फ़लसफ़ा। पता नहीं मेघा, एक डर सा लग रहा है। तू उसे जानती नहीं, पहचानती नहीं। नो यार, नॉट राइट। तू सोच ना पायल, वो आएगा जिसे मैं जानती नहीं, पर वो मेरा अपना होगा, बहुत अपना। इस सफर का इंतजार कर रही हूं मैं। धीरे धीरे प्यार होगा, कितने सपने सच होंगे धीरे धीरे। सखी रे प्रेममय रजनी, आंखों में स्वप्न बनी। प्रेममयी रजनी सखी।
विश्व बना मीठी झंकार उठी तुमको ही देख रही स्मृतियों की भीड़ घनी मधु मंदिर विश्व बना मीठी झंकार मिनट के लिए हम माँ बेटी को सिर्फ आखिरी बार अकेला छोड़ दोगी? ओ, पता नहीं कैसे कहूं। बेटा तू इस घर का सम्मान है, यहां का संस्कार लेकर तू उस घर में जा रही है, अब तू उस घर की लक्ष्मी है, उस घर को प्रकाश से भर देना बेटा। तुझे पता है एक औरत के लिए पति का प्यार ही सब कुछ होता है, उसकी दोनों जरूरतों का पूरा ख्याल रखना, तू समझ रही है ना बेटा? चल अब तेरी विदाई का समय हो गया। यार एक बात बता, ये लड़कियां जब पैर छूने के लिए झुकती हैं तो इनका क्या दिखता है? अरे यार उनके संस्कार दिखते हैं, और वो भी दिखता है जो तू सोच रहा है। Oh,
सुनाया तू आगे पढ़ाई करना चाहती है हुँ? क्या करेगी पढ़कर? नौकरी वोकरी तो तुझे करनी नहीं है। मैं हूं ना MBA और फैमिली का बिजनेस भी अच्छा चल रहा है। आ गई पढ़ाई करने। कॉलेज में खूब मजा आता होगा ना? मैंने देखा है तेरे दोस्तों को, सब वैसे ही हैं। हॉस्टल में रही है ना तू? अब तक कितनों के साथ सोई है? चुप क्यों है? बोलती क्यों नहीं? और तेरे चुप रहने से क्या होगा अभी पता चल जाएगा। तो कोरी निकली, चल चल पढ़ाई कर ले भाई। तू अरुण अरुण हाँ? अब तो मेघा की भी शादी हो गई है, चलो ना हम भी शादी कर लेते हैं प्लीज। पायल क्या हमारा प्यार इतना छोटा है कि इसे हमें बंधन में बांधने की जरूरत पड़े? हाँ हमारा प्यार तो इससे बहुत ज्यादा बड़ा है ना? पर अरुण एक सेकेंड। हेलो मेघा, कैसी रही तेरी प्रेम मई रजनी? पायल, उस आदमी ने ना उसको नोच लिया, उसके शरीर को नोच लिया, उसके उसकी आत्मा को नोच लिया। उसकी आंखें ना खुली हुई थी, but it had no life। उनमें जैसे दर्द का एहसास गायब हो गया था, वो सिर्फ एक लाश बन के रह गई थी। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि उस आदमी को ये अधिकार दिया किसने है। I mean, who gave him this right? You know what? She was bleeding. वो उसकी अस्मिता के साथ खेलता रहा और मैं बस देख रही थी। I couldn't do anything।
couldn't do anything. वो कहाँ जाएगी अब? वो क्या कर? I have to save her. मेघा! क्या हुआ? पोस्टमार्टम तो हो ही चुका है, ले चलो बॉडी को, अब किसका इंतजार है? नहीं, मेघा का अंतिम संस्कार हम करेंगे, ये हमारा अधिकार है। बहू की तरह तू भी पागल है क्या? नंगी कूद गई, बदनामी करा दी हमारी। बलात्कार हुआ था उसका। उठाओ। नहीं, मैं मेघा तुझे नरेंद्र के हाथ नहीं चलने दूंगी। मेरी बेटी, मेरी बच्ची, मेरी बेटी को मत ले। राम राम सत्य है। नहीं, तुम यहाँ नहीं बैठ सकती हो, ये मेघा की जगह है और उसकी जगह कोई नहीं ले सकता है। मेघा चली गई तो क्या हुआ, वो हमेशा हमारे बीच रहेगी, हमेशा। मेघा तो हम सब में सबसे अच्छी थी, मार दिया उसको। उसे तो समाज के बनाए सारे नियम मंजूर थे। समाज, the all powerful faceless society, oppressive. हमारे देश में एक साथ एक समय कई सदियां रहती हैं। 21वीं शताब्दी की शादी 15वीं शताब्दी के साथ, वाह, इसी को व्यवस्था कहते हैं। सिस्टम, सारी गलती इस सिस्टम की है, तोड़ दो इस सारे सिस्टम को। क्यों मुझे प्राचीर बनकर आज मेरे श्वास घेरे? मैं शादी नहीं करना चाहता। आई डोंट बिलीव इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। Listen, dude, I cannot feel anything. Just stay away. I said stay away. मुझे नहीं महसूस हो रहा तो नहीं हो रहा है. You know, just... Okay, तुम मुझे इसे reject नहीं कर सकती. आज तक मुझे किसी भी लड़की ने इसे reject नहीं किया या refuse नहीं किया. I love you. और क्या चाहिए तुम्हें? God. I don't think so you'll understand. पर सुनना ही चाहते हो तो सुनो. You don't have a personality. तुम्हारी सांसों में गर्मी नहीं है, and your tongue is dead. सृष्टि, वेट, सृष्टि, I just don't understand you girls. चाहिए क्या तुम्हें? Tell me now, I'll do it for you. I love you. I don't. Listen, I have nothing against you, but fact is, या तो हमारे बीच केमिस्ट्री है या नहीं है, और हमारे बीच नहीं है. So try luck somewhere else.
हाँ पहल आ रही हूँ। सोचा देख पाया मेघा को जाना था चली गई। उसके ना माँ बाप की गलती है, मैनिपुलेट करना ही नहीं सिखाया, वरना जैसे चाहती मेघा वैसे घुमा सकती थी उसको। पर तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना तेरे पास, सो जा, धीरे धीरे मेघा की मौत को भूल जाएगी। तो आसमान से गिरने वाली लड़की मेघा नहीं है, पता नहीं कौन है, लगता है पहचानती हूं उसे। वहम है तेरा, सिर्फ एक वहम है, सो जा, मैं हूं तेरे पास, चल चल अभी सो जा। तू उस जोकर के साथ क्या कर रही थी? मस्ती कर रही थी यार, एक हफ्ते से पीछे पड़ा था, सोचा ट्राई कर लूं। पता है सोने की चेन लेकर आया था, साला सोच रहा था मुझे पिछली सीट में लेके जाएगा, किसी काम का नहीं था यार। तो किसी को कमिट नहीं कर सकती क्या? देख एक बात बता, जब बाजार में दूध मिलता है तो गाय पालने का क्या फायदा? तुझे डर नहीं लगता? डर डर किस बात का, उन्हें रिजेक्ट करो ना तो साले गिड़गिड़ाते हुए पीछे आते हैं। तू जो करती है तुझे ठीक लगता है? जब मैं छोटी थी ना तो सब मुझसे बोला करते थे, यूर अ गुड गर्ल बेटा, दूध पी लो, यूर अ गुड गर्ल बेटा, पढ़ लो, खेलो मत बेटा, यूर अ गुड गर्ल, यूर अ गुड गर्ल, यूर अ गुड गर्ल, यूर अ गुड गर्ल। मेरी मर्जी के खिलाफ हर चीज मुझसे करवाई जाती थी, मुझे गुड गर्ल बनाया जाता था। अरे मुझे नहीं बनना है गुड गर्ल, आई एम हैप्पी बीइंग अ बैड गर्ल। आई वाज सिक ऑफ इट, एक श्राप था मेरे लिए, इट वाज लाइक अ कर्स। गुड गर्ल, पर एक बात बोलूं, तू सच में गुड गर्ल है यार। कल IAS एग्जाम का फाइनल रिजल्ट निकलने वाला है। IAS बनना तेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, मैंने देखा है यार, तूने मेहनत भी बहुत की है, पता है, देखना तेरा हो जाएगा, भगवान भी उन्हीं पर मेहरबान होते हैं जो उनके दिए हुए गिफ्ट की इज्जत करते हैं। चल अब सो जा। मेरा रिजल्ट देखने तू जाएगी? हाँ। जाऊंगी, सो जा प्लीज, सो जा। एक मिनट, हटो हटो हटो, मुझे जाने दो, हटो हटो मुझे जाने दो। Enough. मुझे क्यों कंसोल कर रहे हो? मुझे IAS में होना ही नहीं था, मैं एक सड़े हुए और एक करप्ट सिस्टम का हिस्सा बनकर जी नहीं सकता, एंड ऑल ऑफ यू नो दैट। अरे अरुण, फिर तुमने एग्जाम अपीयर क्यों किया? अरे वो तो सिर्फ पायल के कहने पे, और प्रीलिम में डिस्क्वालीफाई हो गया। ब्यूटी विद ब्रेन, ग्लोरियस कॉम्बिनेशन पायल। थैंक यू। देखो प्यार के लिए सब कुछ करना पड़ता है, नहीं? एग्जैक्टली। अरुण हाँ, एक मिनट। See you guys. तुम एक और अटेम्प्ट लो ना अरुण, प्लीज। तुम IAS बनोगे, आई नो यू, आई हैव फुल फेथ इन यू। मैं एक साल का एक्सटेंशन ले लूंगी, अगले साल दोनों साथ साथ ट्रेनिंग करेंगे। मेरी बात सुनो पायल, हम दोनों अलग हैं, नहीं ना? तुम बनो मैं बनूं, क्या फर्क पड़ता है, एक ही बात है। देखो पायल, देखो ना मुझे, देखो, आई एम सो हैप्पी।
तुम्हारी सफलता मेरी सफलता है। तुम सचमुच खुश हो? अरे तुम्हारी कसम, आई प्रॉमिस यू, प्लीज डोंट क्राई। अब एक स्माइल, कैन आई हैव अ ब्यूटीफुल स्माइल माय प्रिंसेस, प्लीज पायल। ये क्या स्माइल है, कम ऑन कम ऑन, एक प्यारी सी स्माइल चाहिए प्लीज। ये हुई ना बात। I'm so proud of you. I'm so proud of you. Hello friends, आज अपने कॉलेज की पायल IPS ऑफिसर हो गई है। That means superintendent of police. And we all are going to rock. Woo! Pulsion, pulsion, this din, this din. Ruki, ruki, saans, suki, suki, aas, jali, jali, pyaas hai. Dhoondta raha hoon tere nishaan. Sunta hi raha hoon khamosh bayaan. Dhoondti rahi hoon tere nishaan. Sunti rahi hoon khamosh bayaan. Pal 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 ye pal chin. Pal pal pal. एक लम्हा इश्क का, एक कतरा मुश्क का, एक रेशा जिस्म का, एक जर्रा हुस्न का, लम्हा लम्हा कतरा कतरा तेरे लिए मुश्क का, एक रेशा जिस्म का, एक जर्रा हुस्न का, लम्हा लम्हा कतरा कतरा तेरे लिए तरसा। पलचन पलचन निस दिन डूबी डूबी सांस, खोई खोई आस, जागी जागी प्यास है। ढूंढती रही हूँ तेरे निशान, सुनती रही हूँ खामोश बयान। सिलसिला ये जुनून का, जलजला ये दर्द का, इंतका ये वक्त का, इंतहा ये रूह का, लम्हा लम्हा दर्जा दर्जा इश्क ना है सजा। सिलसिला ये जुनून का, जलजला ये दर्द का, लम्हा लम्हा दर्जा दर्जा इश्क ना हक सजा। पलचन पलचन दिस दिन डूबी डूबी सांस, खोई खोई आस, जागी जागी प्यास है। ढूंढती रही हूँ तेरे निशान, सुनती रही रहा हूँ तेरे निशान, सुनता ही रहा।
यार ये पायल कितनी सॉफ्ट है, पुलिस की नौकरी कर पाएगी? कर लेगी यार, वो अपना हर काम अच्छे से करती है, बहुत रिस्पॉन्सिबल है। रिस्पॉन्सिबल है? रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब समझता है तू? उसको देख, उस बॉन्ग को देख। अरे उसका मुंह देख, देख लायक था सच में। भाई उसने कालीब्रा पहनी है जिसके चार हुक तीन हुक खुले हुए हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे? अबे चौथे हुक पे। अरुण मैंने सुना है कि आजकल तुम बहुत पीने लगे हो। कभी अरुण बनकर देखो, तुम नहीं समझोगी। तुमसे दूरी, तुमसे अलग रहकर जीना बर्दाश्त नहीं होता। फिर क्या करूं, पी लेता हूं। चलो शादी कर लेते हैं। पर अरुण तुम तो शादी के खिलाफ हो। पायल मेरा कोई सिद्धांत मेरे लिए तुम्हारे प्यार से बढ़कर नहीं है। I love you, पायल। चलो शादी कर लेते हैं। प्लीज शादी कर लें। ये देखिए, ये बढ़िया है। ये वाला कितने का है? ये 57,000 के आसपास का है। अब कोई और दिखाइए ना। ये देखिए प्योर सिल्क का है मैडम, बहुत बढ़िया, एकदम यूनिक लगेगा सब पर, प्योर हैंडवर्क है। ये पूरा कितने का है? ये मैडम ये 25,000 का है। सुभाष मैडम नो बिल करा भी दो। 16 है 16। भैया बड़ा पीस आया थे, हटा भी ले जा कल नवा रख। यू हैव आप पैक कर दीजिए इसे। यार तूने अपने सारे पैसे खर्च कर दिए। नौकरी ज्वाइन कर रही हूँ ना। अरे पायल फटाफट तैयार हो जा, आधे घंटे में मैजिस्ट्रेट के पास जाना है। मैं तो तैयार हूँ। व्हाट, तू तैयार है? मेरी फेवरेट साड़ी है, लकी है मेरे लिए, यही पहन के मैंने इंटरव्यू दिया था। धूली है, प्रेस्ड है। अच्छे लग रहे हो। तुम्हारी शेरवानी के लिए पायल ने अपनी सारी सेविंग और सारा प्यार डाल दिया। तुम पायल के लिए कुछ नहीं लेकर आए? पायल की सुंदरता को ना किसी आवरण की जरूरत है ना किसी आभूषण की। हर काम सिर्फ जरूरत के लिए करते हो। पायल की आंखों में आंसू थे। खुशी के होंगे। तुम्हारे घर से कोई नहीं आया? मेरे घर से किसे आना था? अरुण मुझसे बहुत प्यार करता है माँ। तुझे हमेशा खुश देखना चाहती हूँ बेटा। तो खुश हो जा, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ। आंटी। हाँ। इसे मैजिस्ट्रेट के पास तू ले आएगी सृष्टि बेटा। हाँ जी आंटी। पायल अरुण के घर से कोई नहीं आया है। पता है? पता है? जिसका कोई अपना उसके साथ नहीं है वो तेरा साथ क्या देगा पायल? चल चलते हैं। चल सूर्या पैलेस, हाउ मे हेल्प यू मैम? हाय, आपके पास पायल मिश्रा के नाम से एक स्वीट बुक होगा? हाँ जी, हमारे यहाँ बुक्ड है। okay. उनका रूम नंबर है 1900 9th फ्लोर पे। मिस्टर इरफान आपको एस्कॉर्ट करेंगे। ओके थैंक यू। माय प्लेजर मैम।
आई डोंट नो यार, मुझे सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अरुण ने कहा था शादी एक आउटडेटेड इंस्टीट्यूशन है, एक पुरानी व्यवस्था है। तू अनएम्प्लॉयड थी तो उसके पास एक थ्योरी थी, एक फिलॉसफी थी हमेशा की तरह। आई मीन ही हैड सम सीरियस इशू विद द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज इटसेल्फ। और अब तेरे आईपीएस बनते ही उसको शादी की याद आ गई। तेरी ट्रेनिंग खत्म होने तक तो रुक ही सकता था ना पायल। उसे तुझ पे भरोसा नहीं है पायल, ही डजंट ट्रस्ट यू। ऐसा नहीं है रे, अरुण ने मुझे प्रपोज किया क्योंकि मैं उससे शादी करना चाहती थी। आई वॉन्ट अ फैमिली। फैमिली? किस फैमिली की बात कर रही है तू पायल? तुम्हारी शादी में अरुण की फैमिली से कोई नहीं आया था। चल छोड़ ना। वेलकम टू आवर हनीमून स्वीट मैम, हम आपके इस सफर को तमाम जिंदगी के लिए यादगार बनाना चाहते हैं, प्लीज। हाउ स्वीट। थैंक यू। वाओ। क्या सोच रही है? ये रात कितनी अलग है ना, जैसे कि इसमें पूरा दिन समा गया हो। दिन की थकान रात के आगोश में आराम से सो सकती है। कल फिर सुबह होगी पर अलग होगी, नई होगी। पायल तू बहुत सुंदर है। पता है अगर मैं लड़का होती ना तो तेरे लिए कुछ भी कर जाती। अच्छा? सच बोल रही हूँ। आगर है तू। अच्छा ये देख। ओह, अब तेरे न्यू हस्बैंड मिस्टर अरुण मिश्रा आते ही होंगे। तू ही जेल उन्हें, मैं चली। बैठ बाय। अरे नहीं नहीं, क्या कर रही हो पायल? ब्यूटीफुल, बैठो। पायल सिंह, अब तो मेरी बीवी बन गई हो, पायल मिश्रा। अजीब लग रहा है ना? महसूस करना चाहती हूँ, प्लीज मुझे प्यार करो, प्लीज मेक लव टू मी, मुझे प्यार करो। Thank you.
तुम आज भी पीकर आए हो। अब तो मैं तुम्हारी हूं, तुम्हारे पास हूं। तुम्हें हमेशा के लिए अपना बनाने की खुशी मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। I love you, पायल। पायल, तकलीफ हो रही है? सॉरी पायल, मैं तुम्हें तकलीफ देने की सोच भी नहीं सकता। मुझे माफ कर दो। सॉरी मेरी जान। आज मेरी शादी हुई है, आज तो मुझे बहुत खुश होना चाहिए था, फिर इतनी उदास और अकेले क्यों हूं? मैंने तो सोचा था एक दूसरे की बाहों में रात बीतेगी और यूं ही बातों बातों में सुबह हो जाएगी, पर अरुण तो नशे में निश्चिंत ऐसे सो गया जैसे उसे अपनी मंजिल मिल गई हो, लेकिन मेरे लिए तो ये जिंदगी की एक नई शुरुआत है। मेरी ट्रेनिंग खत्म होने के तुरंत बाद मैंने पोस्टिंग ज्वाइन कर लिया था। अरुण को भी कॉलेज में लेक्चररशिप मिल गई थी और सृष्टि एक न्यूज चैनल में रिपोर्टर का काम करने लगी थी। मैं और अरुण साथ थे, पर कुछ कमी थी। समझ में नहीं आ रहा था। कई बार बात करने की कोशिश की, पर अरुण हमेशा नाराज हो जाता था और मैं और ज्यादा अकेली। सबकी लाइफ सेट हो गई है ना? वैसे रिपोर्टिंग भी काफी चैलेंजिंग है, बट गोज विद माय कैरेक्टर। हर दिन नई कहानी, नई लोकेशन, नई सिचुएशन। कल क्या होगा कुछ पता नहीं। आई मीन अनसर्टेनिटीज आर सो ग्लोरियस। तू जो चाहती है वो कर रही है। हाँ, अच्छा है ना? हे, ही इज माय बॉयफ्रेंड। मेरे साथ न्यूज चैनल में काम करता है। वी आर अ टीम। हाय हाय, आई एम पायल। मैं तुमको सृष्टि से ज्यादा जानता हूँ, क्योंकि जब हम साथ होते हैं तो ये अपने बारे में बात नहीं करती, सिर्फ तुम्हारे बारे में बात करती है। पायल ये, पायल वो। इनफैक्ट आई एम जेलस ऑफ यू। पता है, अगर मैं लड़का होती ना, ये किसी को मेरी तरफ देखने नहीं देती। चल मैं निकलती हूँ, ध्यान रखना अपना। बाय बाय बाय, सी यू। राम चतुर्जी, नो। आप रेड लाइट जंप नहीं करेंगे? अगर हम खुद ही नियम का पालन नहीं करेंगे तो हम दूसरों पर कैसे इन्फोर्स करेंगे? जी मैडम। भगवान आपकी जोड़ी सलामत रखे। इस लंगड़े भिखारी को कुछ दे दो, दे दो, दे दो। सुबह से कुछ नहीं खाया, कुछ खाने को। काम चोरी को इनकरेज मत करो। काम क्यों नहीं कर सकते? क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ? सर, अरे अच्छे भले तो लगते हो। सर, मैं लंगड़ा हूँ। भगवान आपका भला करे। नहीं पायल, मैंने कहा नहीं। देखो, तुम पैरों से नहीं मानसिकता से लंगड़े हो। ड्राइवर, गाड़ी आगे ले चलो। चूतिया काला चूतिया। जय हिंद। जय हिंद। पायल, मुझे कॉलेज तक छुड़वा दोगी? या छोड़ो, मैं एक छोटा मोटा प्रोफेसर हूं, बस या रिक्शा से चले जाऊंगा। रामचतुर जी, आप साहब को कॉलेज छोड़ दें। जी मैडम। बाय बाय।
हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है, अ गवर्नमेंट फॉर द पीपल बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। और आज तक सामंतवाद मतलब फ्यूडलिज्म हमारे देश में जिंदा है, जैसे कि आम इंसान की जद्दोजहद की जिंदगी भी जिंदा है, रोटी कपड़ा और मकान के लिए लड़ाई। जब हम पुलिस वालों को देखते हैं हमें कॉन्फिडेंस नहीं मिलता, हमें डर लगता है। उनकी खाकी वर्दी, उनकी गाड़ी के ऊपर लाल बत्ती चीख चीख कर कहती कि डरो मुझसे। ये क्यों? क्योंकि हम उस दमनकारी सिस्टम का एक सड़ा हुआ हिस्सा है, क्योंकि हम लड़ नहीं सकते अपने लिए। पर पब्लिक और उसकी सुरक्षा के लिए हमारी एजेंसी है ना सर। बहुत अच्छी बात है, आप कभी थाने में गई हैं? नहीं सर। भला है कि आप नहीं जाएं, वहां जाएंगी तो आपका भरोसा टूट जाएगा। हंसने की बात नहीं है, आज तक किसी सामंत जमींदार या बादशाह ने कहा कि वो निरी जनता का दमन कर रहा है? बेनेवोलेंट डेस्पोटिज्म। एक बार इस पुराने लाचार राजनीतिक ढांचे को खत्म करना पड़ेगा, फिर आएगा असली प्रजातंत्र। अब तो बस सिर्फ उस आंधी का इंतजार है, ऐसा टूटेगा मुंह एक दिन के भीतर, इस पूरे राग रंग की बर्बादी होगी। जब तक ना देश के घर घर में रेशम होगा तब तक दिल्ली के तन पर भी खादी होगी। फिर आपने एक आईपीएस से शादी क्यों की? Because I was in love with her. Anyway, love is a bourgeois concept. सर, ये नकली नोटों का कारोबार करने वाला गैंग बड़े अलग ढंग से काम करता है सर। ये लोग एक दूसरे को ना तो नाम से जानते हैं ना चेहरे से। इनका एक कोड वर्ड होता है सर, सॉरी सर, कोड वर्ड नहीं, कोड नंबर होता है सर। कंप्यूटराइज्ड है सर, हर 30 सेकंड में कोड अपने आप बदल जाता है और हर कैरियर के मोबाइल पर आ जाता है। टेक्नोलॉजी सर। कैरियर कहाँ है? इंटरोगेशन रूम में सर। पायल, 6 बजे कैफे में गेट टुगेदर है मेरा, मेरे कलीग्स भी आ रहे हैं, तुम जरूर आ जाना। बॉस के साथ हूँ, कोशिश करूंगी। बॉस! नकली नोट छपे ना? कुछ नहीं किया। नहीं नहीं सर, नहीं। तो शादी शुदा है? जी। औरत से ही क्या ना शादी? जी। बीवी नॉर्मल है? जैसी सब औरतें होती हैं वैसी है ना? तो अपनी बीवी को मारना, ये नकली नोट फैलाकर देश की इकोनॉमी की क्यों मार रहा है बे? नो, इस केस को क्राइम ब्रांच में ट्रांसफर कर दो। ये सब क्या हो रहा है पायल? तुमने जब से चार्ज लिया है यहाँ हर क्राइम बढ़ रही है। यू हैव बीन कंप्लीटली इनइफेक्टिव। नाउ पुल अप योर सॉक्स एंड गेट क्रैकिंग।
My job is so demanding. I have yet to prove myself at my job. मैं अपने स्कूल में सबसे अच्छी स्टूडेंट मानी जाती थी। कॉलेज में भी मुझे आइडियल स्टूडेंट कहा जाता था। क्या हो गया है मुझे? आज मेरे बॉस ने मुझे इनकॉम्पिटेंट कहा। I cannot take it. I'm failing at every front. Even Arun is so unhappy with me. क्राइम ब्रांच से और कौन कौन गया निर्वाण के साथ? आप तो उन्हें जानते हैं सर, अकेले ही गए। I hate him. पता करो, कॉन्टेक्ट करो उसको और मेरी बात करवाओ। पूरी तरह नंगी, निर्वस्त्र, बहुत ऊंचाई से गहरी खाई में गिर रही है। नीचे एक भीड़ चिल्ला रही है, इंतजार कर रही है उसके गिरने का, और वो गिरे जा रही है, गिरे जा रही है। पायल, listen, I understand. मैं समझ सकता हूँ, तुम मेघा के बहुत करीब थी, उसके साथ जो हादसा हुआ उसकी मेघा की मौत एक हादसा नहीं थी डॉक्टर, it was rape and murder in cold blood. लेकिन वो गिरने वाली लड़की मेघा नहीं है, मैं उसे जानती हूँ, वो मैं हूँ। Good. It's important that you realize this. More importantly now, you have to reclaim yourself. Commissioner sir. Jain sir. जी सर, मैडम के साथ हूँ, डॉक्टर श्रीमाली के क्लिनिक में सर, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट सर। नहीं सर, मैडम अकेले ही आई हैं जी, मैं इन्फॉर्म कर दूंगा जी सर। जैन सर। नो, आई कैन नॉट एक्सेप्ट दिस। मैं अरुण से प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, इतना प्यार करती हूँ जितना कोई भी औरत किसी और मर्द से प्यार कर ही नहीं सकती। मैं उसे खुश देखना चाहती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि वो खुश नहीं है। My best is just not good enough. हजार कोशिशें करती हूँ ये जानने की, ये समझने की कि मैं कहाँ गलत हूँ। He's so sad. I cannot see him sad. उसकी उदासी का कारण तुम खुद को मानती हो? हाँ, मुझे लगता है। ऐसा क्यों लगता है? I mean, I think I'm not good in bed. शायद मुझे ये पता नहीं कि मुझे क्या करना चाहिए। Maybe I'm inadequate. I think he's frustrated with me. पानी पियो। जयंत मैम, कमिश्नर साहब का हुक्म आया है, एक इमरजेंसी ऑपरेशन पर जाना है। साहब ने आपको लीड करने को कहा है। सीपी निर्वाण ठाकुर मैडम। ये वही जगह है जहाँ बेबी
अभी आतंकवादी और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। एसीपी निर्वाण ठाकुर को आतंकवादियों ने बंधक बना लिया था और उन्हें कहीं लेके जा रहे थे, तभी एसपी पायल मिश्रा की टीम ने उनको यहीं पे रोका और कड़ी चुनौती दी। आतंकवादियों की गाड़ी से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किए गए हैं। दिस इज हिस्ट्री रिपोर्टिंग विद कैमरामैन थ्रो। सखी वो मुझसे कहकर जाते, सिद्धि हेतु स्वामी गए, ये गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए, यही बड़ा व्याघात। सखी तुम बताकर तो जा सकती थी, तुम कहाँ गई हो? इमरजेंसी थी अरुण, तुम्हें बताने का मौका ही नहीं मिला। मोबाइल तो होगा नहीं तुम्हारे पास? एक्चुअली अरुण, टेंशन थी अरुण, आई वॉज टू स्ट्रेस्ड आउट, आई एम सॉरी। नो यू आर नॉट। शायद तुम्हें याद भी नहीं कि मैं और मेरे कुलीग तुम्हारा इंतजार कर रहे थे उस कैफे में। रोज रोज अपमानित होता हूं मैं। यू इंसल्ट मी एवरी डे, यू रिग्रेट मैरिंग मी बिकॉज यू थिंक आई एम द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ योर लाइफ। क्या कह रहे हो अरुण, मुझसे गलती हो गई, आई शुड हैव कॉल्ड यू, आई एम सॉरी। निर्वाण सर का फोन है, आपसे बात करना चाहते हैं। हेलो। मेरी जान बचाने के लिए थैंक्स। इट्स ओके। हेलो। पुलिस डिपार्टमेंट में तमीज नहीं सिखाई जाती इब्राहिम, ये मेरा घर है। पायल और मैं या पत्नी और पति की तरह रहते हैं, नौकर के नहीं आ सकते थे। सॉरी सर, पर दरवाजा खुला हुआ था। बेडरूम का दरवाजा खुला रहेगा तो तुम वहां भी चले आओगे। ब्लडी इडियट। इट्स ओके अरुण, इब्राहिम आप जाइए। इट्स नॉट ओके। तुम हर किसी के साथ इतना रिस्पेक्टफुल रहती हो, इवन तो ब्लडी ड्राइवर, इवन व्हेन ही इंसल्ट्स मी एवरी डे यू डोंट रिप्लेस हिम। आई डोंट नो व्हाई टेक ऑल दिस, बिकॉज आई लव यू सो मच। You take advantage of me all the time. आप चल रहे हैं? हाँ जी। फिर आप ही चलाइए भाई। क्यों, क्या हो गया? कुछ नहीं, मेरा मूड ऑफ है आज, मैं चलाऊंगा तो किसी को ठोक दूंगा बस। ठीक है, फिर तो मैं ही चला लेता हूँ। अरुण आ जाओ, डिनर इज सर्व्ड। तुम खा लो, मुझे भूख नहीं है। बारी कोई भर के तुम बहुत पीने लगे हो अरुण। और क्या करूं, तुम्हारे पास वक्त है मेरे लिए? हाँ, पी लेता हूं तो थोड़ी देर के लिए अपना तिरस्कार, अपनी तकलीफें भूल जाता हूं। तुम्हारा पीना मुझे पसंद नहीं है, छोड़ दो ना प्लीज। पसंद तो तुम्हें मेरा शरीर भी नहीं है, दैट्स व्हाई यू कीप रिजेक्टिंग मी। तो क्या मैं इस शरीर को भी छोड़ दूं? छोड़ दूं? उसी कमी को पूरा करने के लिए गई थी साइकोथेरेपिस्ट के पास। He taught you how to make love? हाँ पायल? Cheers. I'll find out tonight. चले? हाँ पायल. Let's try. एक बैग और ले लूं? नहीं। भाई दो चाय देना। जी साहब। एकदम गरम देना, गरम। जी। पंडित जी बताइए, ये मैडम के हस्बैंड है ना? मुझको तो कुछ ठीक इंसान नहीं लगते हैं इब्राहिम भाई। क्यों? वो गार्ड लोग बोल रहे थे आज शाम को ना चार लड़कियां
कॉलेज के स्टूडेंट्स लेकर आए थे। अरे वो ट्यूशन पढ़ाने लाए होंगे। खूब पार्टी हो रही थी। चाय। क्या बात कर रहे हैं, चाय पीजिए। बनाइए बनाइए, आप बनाइए। फिर मैडम के आने से पहले ना साफ साफ सफाई करवा दी। अच्छा। लड़कियों के सामने पुलिस डिपार्टमेंट को गालियां दे रहे थे। क्या बात कर रहे हैं आप भैया। मैं तो जब भी उनको साथ लेके चलता हूँ लाल बत्ती उतार ही देता हूँ। ये ठीक करते हैं आप, लाल बत्ती में चलेंगे वो। चीड़ जाते हैं। पता नहीं मैडम ने क्या देखकर इनके साथ शादी कर ली। चलिए जाने दीजिए। वैसे अनार के पेड़ पे लंगूर ही चढ़ते हैं। काफी अच्छा मिश्रा मिलाते हैं आप पंडित जी। लेकिन जो लंगूर है ना अंगूर के पेड़ पे चढ़ते हैं, और ये लंगूर अनार के पेड़ पे चढ़ गया। प्रॉब्लम हो गई आगे अभी। भाई कितना हुआ? सब आपसे क्या लेना? अरे मुझसे मत लेना, कब तो ले जा। रुक। आपसे क्या लेना साला, बदनाम करेगा। ये लो चलिए। जब कोई पकड़ता है मुझे नींद नहीं आती, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि कोई मेरा पर्सनल स्पेस इनवेड कर रहा है। प्लीज अरुण, प्लीज वन सेकंड प्लीज लीव मी अलोन। प्लीज होल्ड मी, आई नीड टू बी हेल्ड। मुझे भूख लग रही है, सवेरे से मैंने कुछ नहीं खाया। खा लो, तुम्हारा घर है। मुझे तुम्हारे साथ खाना है अरुण। तुम मुझसे प्यार नहीं करते ना? ये तुम कह रही हो? तुम्हें प्यार करने के सिवा और मैंने किया क्या है? अपना कोई करियर नहीं बनाया क्योंकि तुम्हें प्यार करने के सिवा और मुझे कुछ सोचता नहीं था। अपने कोई दोस्त नहीं बनाए क्योंकि मेरे लिए सिर्फ एक ही काफी था, वो तुम। अपना कोई परिवार नहीं है मेरा क्योंकि तुम मेरा परिवार हो। अपना सेल्फ रिस्पेक्ट छोड़ के तुम्हारे घर पे तुम्हारे टुकड़ों पे फलता हूं मैं। रोज तुम्हारा ड्राइवर मुझे इंसल्ट करता है, कहता है लाल बत्ती एरो गेरो के लिए नहीं है। मैं एरा गेरा ये सब मैं किसके लिए बर्दाश्त करता हूं? तुम्हारे प्यार के लिए ना? और तुमने क्या किया अपने प्यार के लिए? तुमने अपना करियर बनाया, नए दोस्त बनाए रखे। देर रात तक तुम्हारे कुलीग्स तुम्हें फोन करते हैं, जानते हो कि तुम शादीशुदा हो और तुम ये फोन लेती हो। What the hell, Payal? Do you love me? मैं तुमको रुला सकता हूँ? मेरे प्यार में इतनी ताकत है कि वो तुम्हें रुला सकती है। Payal, Payal, you love me. Love me, thank you. You love me, Payal. You love me, thank you so much. और मैं बहुत थकी हुई हूँ। Please, Payal. 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 Leave me, Arun. क्यों? तुम्हारे डॉक्टर ने तुमसे क्या कहा? डॉक्टर श्रीमाली साइकोथेरेपिस्ट ने तुमसे क्या कहा? बिफोर हिम आल्सो इंसल्टेड मी? अरुण तुम जानते हो कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। देन प्रूव इट पायल, प्रूव इट। अरुण प्लीज, अरुण यू आर हर्टिंग मी। Thank you.
राम चतुर जी, पहले साहेब के कॉलेज ले लीजिए। जी मैडम। मेरी तबीयत आज ठीक नहीं लग रही। तुमने अपनी तबीयत खुद ही खराब की है। तुम खुश नहीं हो मेरे साथ? बिना किसी घटना के जब कोई दिन गुजरता है तो मैं चैन की नींद सो पाता हूं। नागरिक चैन की नींद सोए, इसके लिए ये पुलिस वाले जगते हैं। आज हम अपने बहादुर सिपाहियों का सम्मान करने के लिए एकत्र हुए हैं। बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ कि आतंकवादी घटना करने से पहले ही मार दिए गए। जिन दो अफसरों ने असीम वीरता का परिचय दिया है वो हैं एसीपी निर्वाण ठाकुर और यहां की सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस पायल मिश्रा। अब मैं शहर के मेयर माननीय कांति भाई से अनुरोध करूंगा कि वे यहां आकर हमारे जाबाज अफसरों का पुलिस मेडल से सम्मान करें। माननीय कांति भाई। निर्वाण, लगता है आपको मेडल्स लेने की आदत हो गई है, कैसा लग रहा है आपको? एक्चुअली आज इस अवार्ड का हकदार सिर्फ एक इंसान है, एसपी पायल मिश्रा। मैं तो आतंकवादियों के हाथों पकड़ा गया था, मुझे मार के ना जाने वो कितने और लोगों की जान लेते। हम सब की जान पायल ने बचाई है, प्लीज कंग्रेचुलेट हर। पायल कैसा लग रहा है? एक्चुअली इट्स पायल? एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। एक्सक्यूज मी, पीछे हटिए। पायल, पायल, इब्राहिम। आज आपकी वाइफ को ब्रेवरी अवार्ड मिला है, कांग्रेचुलेशन सर। आई हैव अ प्रॉब्लम विद सच अवार्ड फंक्शंस। पुलिस कह रही है पर ये कौन जानता है कि मरने वाले आतंकवादी थे या नहीं? एक्सक्यूज मी, देखिए इन्हें इंटरनल ब्लीडिंग हो रहा है, इनका इमरजेंसी ऑपरेशन करना पड़ेगा। इनके हस्बैंड कहाँ हैं? हमें इस फॉर्म पर उनके साइन चाहिए। अरुण को फोन कर ले पायल। डोंट बिलीव ऑल दैट द मीडिया मेक्स यू सी एंड हियर, यूज योर माइंड। जस्ट अ मिनट। क्या हुआ? मैं उसे जानती हूं, ना वो कॉल लेगा और ना ही वो आएगा। किसे संदेश भेजूं? कहां संदेश भेजूं?
यस सर। थैंक यू डॉक्टर। अगर वो आतंकवादी थे तो उनको घटना को अंजाम देते हुए पकड़ना चाहिए था ना। उनको वहां पे क्यों मारा? ताकि सारी एविडेंसेस क्लोज्ड, केस क्लोज्ड। ठंड तो नहीं लग रही? नहीं। अरुण? ओ यू आर हियर। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग केयर ऑफ माय वाइफ। Payal's been waiting for you. Oh, really? Payal, मैं चलता हूँ। अरुण is here now. Get Wilson. अगर तुम चाहो तो मैं चला जाता हूँ। तुम यहाँ रात में भी रुक सकते हो। जरूर रुकता। अगर तुम नहीं आए होते तो it's nice to see you here. The pleasure is entirely mine. पायल, मुझे लगता है कि तुम्हारा ख्याल रखने के लिए काफी लोग हैं यहां। इसको सेलिब्रेट करना चाहिए, है ना? आई एम सो सॉरी, आई कांट स्मोक हियर, इट्स नॉट गुड फॉर यू। देखो ऑनेस्टली पायल, मुझे ऐसे लग रहा है कि जो कुछ भी हुआ है उसके बाद मेरे यहां रहने से तुम्हें बहुत तकलीफ होगी और मैं नहीं चाहता कि ऐसा। चलो ऐसा करता हूं कि मैं भी चलता हूं। नहीं नहीं, सुबह आऊंगा पक्का। चलना पड़ेगा पायल, मुझे माफ कर दो। अपना ख्याल रखो, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने कहा सब ठीक हो जाएगा। जरा अपना हाथ दिखाना। तुम्हें मेरे लिए इतनी तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। Really? And what makes you think कि मैं यहां पर तुम्हारे लिए आया हूं? मैं सिर्फ वही काम करता हूं जिससे मुझे खुशी मिले। खुद से स्ट्रगल नहीं होता मुझसे। Really? मैं अब तक तो खुद से स्ट्रगल ही कर रही हूं सिर्फ अरुण की खुशी के लिए। पर जानती हो, इंसान किसी को कोई चीज तभी दे सकता है अगर उसके पास खुद वो चीज मौजूद हो। जब तुम खुद खुश नहीं हो, किसी और को खुशी कैसे दोगी? पॉइंट? प्यास लगी है? कम, आराम से कम। जल्दी। हाँ, ओके।
Come, have some. Yeah, great. रेस्ट मुझे नींद आ रही है तुम हो ना यहाँ सुनो वाह क्या बात है एनीवन कैन फॉल फॉर माय बीवी हाँ कोई भी कमबख्त इस मासूम चेहरे से इश्क कर सकता है ये तो कोई हमसे पूछे कि मैडम से इश्क करने की सजा क्या है हाँ गुस्सा इंफॉर्मेशन एकदम पक्की है सर रोड कॉन्ट्रैक्टर पहाड़ तोड़ने के लिए एक्सप्लोसिव ऑफिशियली मिलते हैं एक हिस्सा टेररिस्ट यानी लोकल टेरर सेल्स को भी जाता है तो सर्च करो उनका दो बार कर चुका हूं सर कुछ नहीं मिलता है रिकॉर्ड एकदम परफेक्ट है रिमांड पे भी लिया है कोर्ट छोड़ देता है बिना सबूतों के कुछ नहीं कर पाएंगे सर जो अंदर कर रहा था वो सब क्या था
नाटक था क्या? ओए, वो तरकीब था हमारे यहाँ से निकलने के लिए। मतलब? चलो भागो यहाँ से। ओए, चुप। कौन है तू? मुझे वहां से भगा कर क्यों लाया? कौन है तू? यासीन। कहां से? अपने मुल्क से। हाथ छोड़। कहां जाएगा? पता नहीं। तो चल मेरे साथ। किधर? हबीब भाई के पास। हबीब भाई। हबीब भाई के पास। हबीब भाई के पास। एसीपी निर्वाण ठाकुर, यू अंडर अरेस्ट। चलो। जेल से लगा। एसीपी निर्वाण, क्राइम ब्रांच, तुम्हारे साथ कॉफी पीने आया हूं, मिलेगी? I'm so sorry, नहीं मिल सकते। अच्छा? नहीं, एक्चुअली अगर आप अपॉइंटमेंट लेकर आते तो जरूर मिलते। थोड़ा बिजी रहता हूँ, काम बहुत ज्यादा है। वैसे आप किसी खास काम से आए थे? नहीं, मतलब माजरा क्या है? दो बार रेड हो चुका है, एक बार रिमांड में लिया जा चुका हूं, लेकिन फिर भी मेरे खिलाफ कभी कोई सबूत नहीं मिला। बट स्टिल, आप लोग मानेंगे नहीं। और हाँ, मैं ये भी जानता हूं कि आप लोगों के क्राइम ब्रांच के एनकाउंटर लिस्ट में सबसे ऊपर इस हबीब का नाम है, लेकिन क्यों है ये नहीं जानता। व्हाट्स द मैटर? निर्वाण में एक खास बात है। बचपन से जब भी किसी को मारा, उसके घर में घुस के मारा, एनकाउंटर से नहीं मारा। यही मारूंगा तेरे लोगों के सामने। और हां, एक सलाह देने आया था। कल कैंडल मार्च है, मैं पर्सनली सुपरवाइज करूंगा, कोई गड़बड़ नहीं चाहिए, समझा? हो गया। थैंक यू निर्वाण साहब, टेक केयर। और हाँ निर्वाण साहब, जब आप ऑफिस से बाहर निकलेंगे, लेफ्ट मुड़ेंगे तो सामने एक कैफे है, वहां पर कॉफी बहुत बढ़िया मिलती है। तेरी ये मुस्कान घुसा दूंगा। लेट्स गो। साले ने कॉफी नहीं पिलाई। एक कॉफी, एक चाय। हाँ सर, मैं भी कॉफी। श्योर। दो कॉफी भाई साहब, दो कॉफी बनाइए। बोल दिया सर। एक बात पूछूं सर? आपकी स्ट्रेटजी मेरे समझ में नहीं आती, आप कैसे हमेशा सही वक्त पे सही जगह पहुंच जाते हो? इब्राहिम, अगर जंगली जानवर को पकड़ना हो सर, तो उसके रास्ते में थैंक यू जाल बिछाना पड़ता है। ट्रैप बिछाना तो हमें आता है, लेकिन जानवर का रास्ता पता नहीं होता, इसलिए वो भज जाते हैं। मुझे वो रास्ता पता है बस। मेरी समझ में नहीं आया सर। मैंने हबीब की ईगो को हर्ट किया, उसे अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल पसंद नहीं आया। अब वो गुस्से में है, उसकी सोचने और प्लानिंग की शक्ति तो गई,
अब वो मेरे चाहे रास्ते पे चलेगा, समझे? यस सर। बहुत मीठी है। कितना हुआ? 20 रुपये साहब। चीनी कम डालना अगली बार। हाँ जी सर। इब्राहिम, दुश्मन को हमेशा सरप्राइज करो। यस। खुद को नहीं जी, प्रोएक्टिव रहना चाहिए, रिएक्टिव नहीं। यस। कल शाम को तैयार हो गया ना? यस सर। हाँ मैं जानता हूं कि तुम मुझसे नाराज हो, माफी मांगने आया हूं तुमसे। मैं जानता हूं कि पति होने के नाते मुझे तुम्हारे साथ हॉस्पिटल में होना चाहिए था। मुझसे गलती हो गई, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। चलो एक हफ्ते के लिए कहीं छुट्टी पे चलते हैं। ओके? मुझे बहुत काम है। अभी छुट्टी लेने का सोच भी नहीं सकते। साहब ने तोड़ के यहां रखा है। पूरा नेम प्लेट निकाल लो बाहर से। जी मैडम। आप कब जा रहे छुट्टी पे? 16 को। तुम्हारे लिए सक्सेसफुल होना बहुत जरूरी था ना? मैं समझता था सिर्फ प्यार जरूरी है, लेकिन मैं गलत था। इतिहास गवाह है कि सक्सेस के लिए बहुत बड़ा प्राइस चुकाना पड़ता है। मैंने अपने असूलों के साथ कोई समझौता नहीं किया, इसीलिए मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ, और इसीलिए तुम आज मुझसे घृणा करती हो। सिर्फ एक बात बता दो कि तुमने सक्सेस के लिए क्या कीमत चुकाई है मिसेस पायल मिश्रा। Answer me, God damn it! ये पूरा रूट और यहां से भी, दिस एरिया, दिस एंड दिस। रघुवीर जी सर, ये कैंडल मार्च रूट के आने वाले सभी रास्तों को 5 बजे तक सैनिटाइज कर दो। राइट सर। सीसीटीवी वीडियो सर्वेलेंस इज अ मस्ट। जी। एनी सस्पिशियस मूवमेंट, एनी, तुरंत खबर देना। राइट सर। जाओ सबको ब्रीफ कर दो। सर। चिराग भाई कैसे हैं? मुबारक हो। मुबारक। चिराग भाई मैं आपको बाद में फोन करता हूं। हे व्हाट्स द मैटर? एसपी पायल मिश्रा, अपने काम को अपना 100% दो। यही एक चीज है जिंदगी में जो तुम्हें कभी धोखा नहीं देगी। नेवर। तुम्हारे चैम्बर में आया, कॉफी नहीं पिलाओगी? जी साहब। जी साहब, कम ऑन, ऑर्डर इट। आई होप आई हैव नॉट डिस्टर्ब्ड यू गाइस। Hi Nirvan, what's up? Hey, lots. Excuse me. Chirag bhai. Ji ji ji, boliye. Chai piyoge? Arey, aap to chupe rustam nikle. Phatafat mangni aur ekdam shaadi. Aisa zarur aayega. Ibrahim, 2 chai 1 coffee le aana. Okay ma'am. Payal.
Do you love me? I mean, are you sure? Of course, Arun. चलो मूवी चलते। अरुण मैं नहीं जा सकती, मुझे इतने सारे काम हैं आज। तुम कुछ नहीं कर सकती मेरे लिए, क्यों बार बार उम्मीद करता हूं मैं और चोट खाता हूं। गॉड डैम इट। इब्राहिम जी, ट्रैफिक डायवर्जन प्लान निकालो। जी मैम। एसआरपी से एक्स्ट्रा फोर्स बुला लो, कैंडल मार्च में कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। व्हाट डू यू थिंक निर्वाण? I think it's very good. Shit. फाइल क्या कर रही हो? फाइल! यू ओके? कहीं मैं तुम्हारे साथ आके तुम पर बोझ तो नहीं बन गए? अब हमारे पास चार आंखें हैं, हमारी ताकत दुगनी हो गई है। नाउ जस्ट शट अप एंड मूव। आज निकाले गए कैंडल मार्च
जहाज के दौरान भीषण धमाका हुआ, निश्चय ही एक आतंकी हमला था। मरने वालों की संख्या कम से कम 10 से ज्यादा भी हो सकती है। आखिरी खबर मिलने तक एसीपी निर्वाण ठाकुर और एसपी पायल मिश्रा दोनों ही आतंकियों के पीछे जंगल में घुस गए। रात के अंधेरे में आतंकी गुम हो गए थे। अजीब था, जिंदगी से डरने वाली लड़की को आज मौत से डर नहीं लग रहा था, मैं मौत को डरा रही थी। आतंकियों का पीछा करते करते एक झरना नजर आया, एक सपनों की दुनिया, एक छोटा सा स्वर्ग। कितना सुंदर है निर्वाण, बिल्कुल मेरे सपनों की तरह। बिल्कुल तुम्हारे सपनों की तरह। रात काफी हो गई है, हम दोनों यहां अकेले हैं, कुछ भी हो सकता है। हाँ, और मुझे फिर भी डर नहीं लग रहा है, क्योंकि you're a brave girl. क्या तुम्हें कभी डर नहीं लगता? ऐसे लोग कहते हैं कि इसी भी निर्वाण ठाकुर को किसी से भी डर नहीं लगता, कुछ हद तक सही भी है, लेकिन जिन्हें हम प्यार करते हैं उनके लिए डर लगता है, लेकिन वही प्यार डर से लड़ने के लिए ताकत भी देता है। मेरी मानो तो जो मन में आए तुरंत कर डाला करो, बिना ज्यादा सोचे समझे। शायद मैं भूल गई हूं, पहले मैं ऐसे ही करती थी, तब खुश थी मैं, फिर पता नहीं क्या हो गया, सब कुछ बदल सा गया। कुछ नहीं बदला, अभी कर सकती हो। चलो बताओ अभी क्या करने का मन कर रहा है? अभी या एनीथिंग? अभी उस चोटी पे चढ़ के चिल्लाने का मन कर रहा है। Then do it. Come on, come on, come on, come on. No. Just do it. Just do it. Come on. सच्ची? Come on, go. पागल है। पायल, क्या हो तुम? सीमाओं की गोद पली, मैं हूँ असीम।
Morning. Get up. Here. Let's go. Maria. Good news. लेकिन आरोपियों में दो वकीलों के शामिल होने से पुलिस और अदालत दोनों का रुख Nirvan, are you okay?
डॉक्टर साहब, एसीपी निर्वाण की हालत अब कैसी है? एसीपी निर्वाण अब खतरे से बाहर हैं। उनके हाथ में गोली लगी थी, वो हमने निकाल दी है। हिज कंडीशन इज स्टेबल नाउ। ओके, कमिश्नर साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? वेल, एज यू नो, ही इज अ पेन इन माय नेक, बट ही इज वन ऑफ माय बेस्ट ऑफिसर्स। आई एम श्योर। अभी बेहोश है, कुछ देर तक खुराफात नहीं कर पाएगा। मैं एक चैन की नींद सो पाऊंगा। स्टिल आई विश हिम अ स्पीडी रिकवरी एंड आई एम प्राउड ऑफ हिम। वी ऑल आर। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सुबह डॉक्टर ने बताया, अरुण का बच्चा मेरी कोख में है। मैं मदरहुड को सेलिब्रेट करना चाहती थी, पर अरुण को बताने का दिल नहीं हुआ। मैं एक डिसीजन लेना चाहती थी और मेरा पास्ट मेरी आंखों के सामने घूम रहा था। पायल, मेरा कोई सिद्धांत क्या मेरे लिए तुम्हारे प्यार से बढ़कर नहीं है। ब्यूटीफुल स्माइल लाइक प्रिंसेस, तुमसे दूरी, तुमसे अलग रहकर जीना बर्दाश्त नहीं शरीर को। तुम्हारी सफलता मेरी सफलता है। आई लव यू पायल। कोई भी कमबख्त इस मासूम चेहरे से इश्क कर सकता है। सुन तो तुम्हें मेरा शरीर में हुए हम रोज रोज अपमानित होता हूं। यू इंसल्ट मी एवरी डे। यू रिग्रेट मैरिंग मी बिकॉज़ यू थिंक आई एम द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ योर लाइफ। आई टेक ऑल दिस बिकॉज़ आई लव यू सो मच। क्या कीमत चुकाई है मिसेस पायल? प्रूव इट पायल, प्रूव इट। लीव मी, लीव मी अरुण। देर रात तक तुम्हारे कुलीग तुम्हें फोन करते हैं, जानते हो कि तुम शादीशुदा हो, तुम्हें फोन लेती हो। What the hell, पायल? Do you love me? अरुण, you are hurting me. कि तुमने सक्सेस के लिए क्या कीमत चुकाई है पायल मिश्रा? तुम कुछ नहीं कर सकती मेरे लिए। क्यों बार बार उम्मीद करता हूं मैं और चोट खाता हूं? अरुण, please stop. अरुण, you are me. हेलो, कहाँ हो तुम? ऑफिस में। कब झूठ बोलना बंद करोगी मुझसे? मैं ऑफिस में 6 बार फोन कर चुका हूँ, किसी ने फोन नहीं उठाया। यू इंसल्ट मी एवरी डे। वैसे मैं जानना भी नहीं चाहता कि तुम कहाँ थी और किसके साथ थी। मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ हमेशा के लिए। आई एम लीविंग यू। सुना तुमने? हाँ सुना मैंने, पिछले 3 साल से सुनती आ रही हूँ। तुम सही, मैं अब तुमसे प्यार नहीं करती। किया था, बहुत टूट कर सपने सजोए थे, सोचा मिलकर एक साथ एक दुनिया बनाएंगे। मैं गलत थी। यू नेवर लव मी। तुमने कहा कि तुम मुझसे प्यार करते हो, कभी किया नहीं। प्यार महज एक लफ्ज नहीं होता। मैंने किया, मैंने तुम्हारी हर छोटी छोटी जरूरतों का, पसंद का ख्याल रखा, हर कोशिश की कि तुम्हें खुश देखूं, और हमेशा खुद को अकेला पाया। You were never there for me when I needed you the most. Now, for my sake, leave my. Please, please, Payal, listen to me, Payal. Please. Give me one last chance. Leave me. Payal, Payal, don't cut the phone, please. Shit. अंधेरे में बैठी थी, इसीलिए बत्ती जला दी। आई होप आई डिडंट डिस्टर्ब यू।
अंधेरे में थी मैं, पता ही नहीं चला कब अंधेरा घिर आया, कुछ भी ठीक से दिख नहीं रहा था, खुद का चेहरा भी नहीं। थैंक्स निर्वाण फॉर शोइंग मी द लाइट। वैसे एक खुशखबरी है, गैस। आई एम प्रेग्नेंट। व्हाट? जानती हो ये हो तो चलो तुम्हें घर छोड़ दो। सखी प्रेम मई रजनी, सखी प्रेम मई रजनी, आँखों में स्वप्न बनी प्रेम मई रजनी, आँखों में स्वप्न बनी प्रेम मई रजनी, सखी प्रेम मई रजनी। निष्पंद रहे ठिठका सा